हेलो दोस्तों, का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज वह है मैट्रिक का एग्जाम 2020 का फर्स्ट ईयर का साइंस का एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं कक्षा दसवीं के लिए साइंस का फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जो 100% आपको सही है, आपका कोई भी सेट हो सकता है, आप मिला लीजिएगा और आप हमारे वीडियो से उसका आंसर मिला लीजिए कि आपका इसमें से कितना सही है। हे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज किनारों को हम क्या कहते हैं, उसे हम आवर्त कहते हैं। अगला सवाल है कि लोहे में फ्लाइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से सभी विधि सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि जो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी था, सोडियम। अगला सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हम जितना भी आप सभी को क्वेश्चन पाए थे ना, सभी क्वेश्चन लड़ गया है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन की विधि होती है वह होता है विखंडन विधि, ठीक है। अगला सवाल है कि फूल पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो पुष्प का यहाँ पे पुंकेसर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चालनी नलिकाएँ। उसके बाद में अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो आपसे बता दें कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्सर्जी अंग आपका ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी वृक्क जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। अगला सवाल है कि एस्ट्रोजेन क्या है। तो दोस्तों एस्ट्रोजेन जो है वह एक प्रकार का नर हार्मोन है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है। दोस्तों आपसे बता दें कि केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो वो मटर का पौधा चुना था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि अवशेषी अंग एक प्रकार की है रीढ़ की हड्डी, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो आपसे बता दें चिपको जो आंदोलन है वो वन संरक्षण से संरक्षित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो कूटपाद के द्वारा। क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कूटपाद के द्वारा। अगला सवाल है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। दोस्तों आपसे बता दें कि कौन ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। तो वो पेप्सिन हार्मोन है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वह होगा वायवीय श्वसन, ठीक है। आपका राइट आंसर वायवीय श्वसन हो जाएगा। अगला सवाल है कि मछली का श्वसन अंग क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कि मछली का जो श्वसन अंग है वो गिल्स हो जाएगा, यानी गलफड़ा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन कम अभिक्रियाशील धातु है। तो एल्युमिनियम जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन का राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला सवाल है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है। दोस्तों आपसे बता दें कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रि आबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच तीन आबंध होते हैं उसे हम एल्काइन कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इथेनॉल को क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। इथेनॉल के अभिक्रियाशील मूलक को OH कहते हैं, यानी एकल बंधन OH जिसे इथेनॉल या एल्कोहल कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रा क्या होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का जो ऐसी मात्रा होता है वो ओम प्रति मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में हो जाएगा। प्रतिरोध पूछा तो ओम होता है और विद्युत प्रतिरोधकता पूछा है तो आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज या विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो माइकल फैराडे ने। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों आपसे बता दें विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है कि दर्पण के पीछे किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है वो दर्पण कौन सा है। तो वह दर्पण जो है वो केवल अवतल दर्पण है, ठीक है। दिया गया किसी दर्पण के पीछे किसी भी दूरी पर स्थित का जो प्रतिबिंब सीधा प्रतीत, देखिए उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केवल समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में ही समान प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार पर अग्रदीप के प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आपसे बता दें हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों आपसे बता दें अभिसारी पूछेगा तो उत्तल लेंस, अपसारी पूछेगा तो अवतल लेंस। तो यहाँ पर अभिसारी पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस।
अगला सवाल है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की में वृद्धि होती है, निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हम हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा इसे बता सकते हैं। अगला सवाल है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? आपसे मुझे मालूम होगा कि 7 से नीचे जो होता है उसका पीएच मान अम्ल होता है, 7 से ऊपर वाला को क्षारीय कहते हैं, 7 को उदासीन कहते हैं। तो 7 से कम क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। अगला सवाल है धोने वाला सोडा का आण्विक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है कि मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन होने लगता है, वो क्या है? तो वो मेथनोइक अम्ल है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस आवर्धन m बराबर होता है? तो m बराबर v/u होता है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन नेत्रहीन रंगीन भाग होता है, यानी कौन सी नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो वह होता है कर्णिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो प्रकीर्णन की बात करें तो वह होता है लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अधिक होता है, और विचलन पूछता तो बैंगनी होता। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट पहले और बाद में होता है? तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकीर्णन के कारण। देखिए यहाँ पे प्रकीर्णन ना होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि जब पश्चिमी की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण की ओर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 42 कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो कौन सी है? 200 वोल्ट पर दिष्ट धारा नहीं बल्कि प्रत्यावर्ती धारा होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है? क्वेश्चन का राइट आंसर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन गैस चुने हुए पानी को दूधिया कर देता है? तो वह है ऑक्सीजन, यानी O2 ऑक्सीजन गैस। अगला सवाल है कि टार्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो यहाँ पे संतरा में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी सिंपल था, CaSO4 × 1/2H2O। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए में मौजूद है। अगला सवाल है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, और इसमें आप सभी को कितना सही है आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब आपके डाउटनेट पे होंगे सारे डाउटों का सफाया, बस डाउटनेट ऐप से किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचिए और तुरंत पाएं वीडियो सॉल्यूशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप और करें अपने हर डाउट की छुट्टी सिर्फ 10 सेकंड में।